नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। शेर कश्मीर का क्या रिश्ता? हिंदू मुस्लिम सिख का जिंदाबाद जिंदाबाद। इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस, वो तो लोगों को ऐसा उस वक्त था जुनून कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जोश तो यही था ना भाई कि हमने जिंदा रहना है, वी हैव टू लिव, दैट वाज द जोश। 1947 दे विच जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया है, या अचानक एक लड़ाई हो गई, उस लड़ाई में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे थे, सारे एक होकर लड़े। तारीखी वाका है, पाकिस्तान बन गया। हमें यह नहीं दुख है कि उन्होंने हमारी तहरीक की मुखालफत की, हम सोच समझ कर इलाका फैसला करेंगे। उससे पहले ये हुआ कि इन्होंने भेजा सादिक साहब को कि आप जाइए, वो गए वहाँ, तो वो कहते हैं हम कोई नहीं, हम तो कश्मीर है हमारे, तुम्हारे हाथ में है, जेब में है। Pakistan, instead of standing, it started, they came raiders, and which they called so-called raiders, and afterwards they said that the army battalions have run away. क्योंकि उन्होंने नारा सी सिख दा सर मुसलमान दा घर ते हिंदू दा जान, तो उन्होंने यहाँ गलत तरीका अपनाया और माँ बहन का कोई तमीज़ नहीं रखा उन्होंने। तो ये वजह थी कि यहाँ के लोगों को फिर नफरत हो गई। लाशें देखी हमने, लोगों को मरे हुए देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा था, वह भी एक बड़ी दहशत थी। फिर उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक वॉलंटियर फौज बढ़ाई जिन्होंने जम्मू और कश्मीर मलेशिया के अंदर सुन। इट वॉज द हार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो उन्होंने फिर आके वहाँ, जिसको हम लाल चौक अपने देखा होगा, और उन्होंने नौजवानों को शेख अब्दुल्ला ने पुकारा। आई वॉज कॉल्ड ऑन द स्टेज एंड टोल्ड के भाई गेट यूर वॉलंटियर्स एटसेट्रा। एवरीबॉडी न्यू, देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट, they were volunteers. At that time we had no weapons, then we borrowed some. We had that guerrilla sort of a thing, because the people were with us, they used to inform which he is there, so we used to go and catch them. Aurtein nikalti thi, sari kashmiri gareeb aurtein, khane ko roti magar waate thi ladkiyan, और बच्चे बंदूक लकड़ी के बना के बंदूकें चलते, कदम कदम बढ़ेंगे हम, महाज पे लड़ेंगे हम, और दूसरे भी इसी तरह से करके जाते थे। नौजवान गए महाज पे लड़ने के लिए, यही कहते, जिन्होंने कभी बंदूक उठाई नहीं थी, कश्मीरियों को बंदूक देते ही नहीं थे बस, और वो बच्चे जाके आए भी नहीं कभी वापस, मगर जाने दे दी उन्होंने। इतने मरे लोग उस वक्त नौजवान जाके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।